हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है उसमें डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऐसे को IAS होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। आप इसको जो तैयार कर सकते हो SSC के सभी एग्जाम्स के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा ताकि सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सको। राइट, और आपको प्लेलिस्ट में बेसिकली आपको लेटर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, दोनों ही आप देख सकते हो। इसके साथ ही साथ इन बुक्स को आप जोड़ ले लेना जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आप यहाँ से कवर करोगे और एस और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी, 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो और SSC CGL CHSL या अदर एग्जाम्स के लिए अपने अकॉर्डिंगली आप इनको ले सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके अपने एग्जाम के हिसाब से आप इन बुक्स को ले सकते हो। राइट, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे बेसिकली, तो कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे वो देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आर डेली डे टू डे लाइफ। ठीक है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं हम सभी की डे टू डे लाइफ के। ठीक है, वी गेट अप इन द मॉर्निंग फ्रॉम द रिंगिंग ऑफ आवर अलार्म क्लॉक्स एंड गो टू बेड एट नाइट आफ्टर स्विचिंग ऑफ आवर लाइट्स। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो सुबह से शाम तक हम हर जगह टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज़ करते हैं, चाहे वो सुबह उठने से लेकर को हो, जब हम अलार्म क्लॉक अलार्म से रिंग से जगते हैं और जब सोते हैं तो स्विच ऑफ करके लाइट्स का सोते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर अ रिजल्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं किसकी वजह से हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही हैं। ठीक है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है हम सभी की लाइफ में। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इम्पैक्ट बता सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, क्या बेसिकली प्रभाव है हम सभी की लाइफ पर। आगे मूव करते हैं। एवरी डे न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग अप विच आर मेकिंग ह्यूमन लाइफ ईजियर एंड मोर कम्फर्टेबल। ठीक है, यानी कि हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है वो और भी ज़्यादा आसान हो गई है और भी आरामदायक कम्फर्टेबल हो गई है। ठीक है, दस वी लिव इन एन एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हम सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टाइम पर हैं हम सभी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इंट्रोड्यूस अस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बेसिकली साइंस और टेक्नोलॉजी ने हम सभी को इंट्रोड्यूस किया है मॉडर्न सिविलाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो किसकी वजह से हुई है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही सामने आई है, इंट्रोड्यूस्ड हुई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इंट्रोडक्शन इस तरह से आप फ्रेंड्स लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। दिस डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो डेवलपमेंट है इसकी ये किसकी वजह से हो रहा है, ये बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से वो हर एस्पेक्ट में हो रहा है हम सभी की डेली लाइफ में। ठीक है, हैंस पीपल गेट द चांस टू एंजॉय दीज रिजल्ट्स विच मेक अवर लाइफ मोर रिलैक्स्ड एंड कम्फर्टेबल। ठीक है, यानी कि पीपल जो हैं वो आसानी से इंजॉय कर सकते हैं इन रिजल्ट्स को, जिसकी वजह से हम सभी की लाइफ जो है रिलैक्स्ड हो गई है और कम्फर्टेबल हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को कितना आसान बना दिया है और कितना कम्फर्टेबल बना दिया है। राइट, इसके बाद देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इनेबल्ड मेन टू लुक फर्दर देन आवर प्लैनेट्स। ठीक है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने प्लैनेट्स के अलावा दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी सोच सकते हैं, उनके बारे में भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लैनेट्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस इज बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप यही बता सकते हो, जो न्यू प्लैनेट्स की डिस्कवरी हो रही है और जो न्यू सैटेलाइट्स हम लोग इसमें एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये सभी किसकी वजह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल है इसमें। राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ऑल्सो मेड एन इम्पैक्ट ऑन मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल फील्ड। ठीक है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है वो केवल स्पेस या एरोनॉटिक्स में ही नहीं है, मेडिकल और एग्रीकल्चरल फील्ड में भी है।
मेडिकल एग्रीकल्चरल फील्ड में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, राइट। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी में ही, द वेरियस क्योर्स बीइंग डिस्कवर्ड फॉर डिसीजेस हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ थ्रू साइंस। अब आप ये कह सकते हो साइंस में कैसे, बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ है। आप ये कह सकते हो कि अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ हैं, अलग अलग तरह की जो क्योर्स हैं, उनको डिस्कवर किया जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसके द्वारा जो डिजीजेस हैं उससे मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को बचाया जा रहा है, ठीक है। हाउएवर टेक्नोलॉजी हैज़ इन्हेंस द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स बेनिफिटिंग द फार्मर्स लार्जली, ठीक है। इसे आप ये भी कह सकते हो जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है अलग अलग क्रॉप्स का, उस पर भी बेनिफिट मिले हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप फार्मर्स के बारे में ही बता सकते हो, एग्रीकल्चरल फील्ड में ही बता सकते हो कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, और साथ ही साथ जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव असिस्टेड इन एडवांसिंग वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। सम फाइन एग्जाम्पल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स आर रेलवे सिस्टम, स्मार्टफोन्स एंड मेट्रो सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अलग हर फील्ड में बेसिकली अपनी मदद की, एक तरह से असिस्ट किया है, हर फील्ड में अपना योगदान दिया है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, या कोई भी फील्ड हो, ठीक है। इसके फाइन एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हो, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रेलवे सिस्टम है, स्मार्टफोन्स हैं और मेट्रो सिस्टम है, ये सभी किसकी वजह से डेवलप हो सके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही डेवलप हो सके हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, रही फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिखोगे। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, द विलेजेस आर नाउ बींग डेवलप्ड एज सिटीज एंड टाउन्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिटीज एंड इन दिस वे देयर हैज बीन डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो इकोनॉमी के फील्ड में, जो इकोनॉमी हमारी, उसमें भी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि जो विलेजेस है वो एक तरह से सिटीज की तरह डेवलप हो चुके हैं, और जो टाउन्स हैं वो भी सिटीज का रूप ले रहे हैं। इसी तरह से एक तरह से डेवलपमेंट जो है हमारी इकोनॉमी में तेजी से हो रहा है, जो हमारा एरिया है इकोनॉमी का उसमें भी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। वेरियस पॉलिसीज क्रिएटेड बाई गवर्नमेंट हैव इम्फेसाइज्ड ऑन सेल्फ सफिशियंसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ थ्रू आउट द कंट्री। अब ये भी कह सकते हो कि जो वेरियस पॉलिसीज हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने क्रिएट की हैं, वो बेसिकली इम्फेसाइज करती हैं सेल्फ सफिशियंसी पर, ठीक है, आत्मनिर्भरता पर, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी तेजी से, और ग्रोथ जो है हमारी कंट्री एज अ होल, इन सब को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करती है, एक तरह से इम्फेसाइज करती है, तो तेजी से जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है अपनी कंट्री में, ठीक है। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड फॉर अ नेशन टू बी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड वेल डेवलप्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज, नाउ इन्वेंशंस आर नेसेसरी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी मॉडर्न वर्ल्ड में किसी भी नेशन के लिए कि वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बने और वेल डेवलप्ड बने, इसके लिए क्या करना होगा, न्यू इन्वेंशंस करने की जरूरत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। इन दिस कॉम्पिटेटिव सोसाइटी वी नीड मोर टेक्निक्स टू ग्रो एंड बिकम अ सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। यानी कि इस कॉम्पिटेटिव सोसाइटी में हम सभी को न्यू टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है, जिसके थ्रू हम ग्रो कर सकें और सक्सेसफुल बन सकें, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये निबंध होगा विज्ञान और तक प्रौद्योगिकी पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए, आप इसको जो तैयार करिए, SSC के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हो आप, और अदर एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर लोगे, साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी देख सकते हो, उनकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ से ले सकते हो इन बुक्स को, 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर ही लोगे, एसे और लेटर आपको दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिलेगी आपको, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप जाके इनको ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को देख लेते हैं।
ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपनी अलार्म घड़ियों के बजने से सुबह उठने से लेकर और रात को लाइट बंद करके सोने तक, ये सभी विज्ञान तकनीकी के परिणाम हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में काफ़ी बहुत या काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, या ये एक तरह से हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। क्योंकि सुबह उठने के लिए हम अलार्म घड़ियों का यूज़ करते हैं, और रात को जब सोते हैं तो लाइट बंद करके सोते हैं। तो हर तरह का ही जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं विज्ञान और टेक्नोलॉजी का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एक्टिविटीज़ आज के टाइम पर हो रही हैं, उन सभी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस बता सकते हो कि प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, हर दिन कई तकनीकें आ रही हैं जो मानव जीवन को आसान और अधिक आरामदायक बना रही हैं। ठीक है, यानी हर दिन जो है नई नई तकनीकें आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जिसकी वजह से मानव जीवन जो है और आसान और आरामदायक बन चुका है। ठीक है, इस प्रकार हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम सभी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में हैं, इसी एरा में रह रहे हैं। ठीक है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें आधुनिक सभ्यता की स्थापना करने के काबिल बनाया है। ठीक है, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी वजह से ही जो जिस आधुनिक सभ्यता में हम रह रहे हैं, उसके काबिल तभी बन पाए क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इसमें एक बड़ा योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो उस टॉपिक की, इस तरह से लिख सकते हो उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यह विकास हमारे दैनिक जीवन के लगभग हर पहलू में बहुत योगदान देता है। ठीक है, मतलब जैसे धीरे धीरे विकास हो रहा है, जो विकास तेजी से टेक्नोलॉजी और साइंस क्षेत्र में हो रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैसे जैसे विकास हो रहा है, ये हमारे दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में भी काफ़ी तेजी से इसका योगदान बढ़ता जा रहा है। राइट, इसलिए लोगों को इन परिणामों का आनंद लेने का मौका मिलता है। ठीक है, यानी कि जो इसके रिजल्ट्स होते हैं, जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं, उससे जो है हमारी लाइफ और भी ज़्यादा प्लेजरेबल बन जाती है, और भी आनंदमय बन जाती है। ठीक है, जो हमारे जीवन को अधिक आरामदायक बनाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, वैसे वैसे जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती जाएगी। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पैरा की ओर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को हमारे ग्रह से आगे देखने में सक्षम बनाया। ठीक है, यानी कि हम अपने ग्रहों से आगे बढ़ के दूसरी चीज़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है, नए ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष में उपग्रहों की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से न केवल हम अपने ग्रहों से आगे देख सके, हमने नए नए ग्रहों की खोज की और अंतरिक्ष में नए जो उपग्रह हैं उनकी भी स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सब किसकी वजह से हो सका? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से ही हो सका है। राइट, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा और कृषि क्षेत्र पर भी काफ़ी प्रभाव डाला है। अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बेसिकली चिकित्सा और कृषि क्षेत्र पर क्या इम्पैक्ट रहा, क्या प्रभाव रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओगे इसके बारे में। बीमारियों के लिए खोजे जा रहे विभिन्न उपचारों ने विज्ञान के माध्यम से लाखों लोगों की जान बचाई है। ठीक है, यानी एक तरह से जो तकनीक है, विज्ञान है, इसके द्वारा जो अलग अलग बीमारियों के लिए जो इलाज खोजे गए, उसकी वजह से लाखों लोग की जान बच सकी, लाखों लोग जो हैं उनको बचाया जा सका। राइट, इसके अलावा प्रौद्योगिकी ने किसानों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने वाली विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाया है। ठीक है, यानी एक तरह से किसानों की फसलों को बढ़ाने में भी प्रौद्योगिकी का एक बड़ा योगदान है। ठीक है, जिससे जो है जो किसान हैं वो भी लाभान्वित हुए हैं, उनको भी एक तरह से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो प्रौद्योगिकी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसका इम्पैक्ट किसी एक क्षेत्र में नहीं है बल्कि सभी क्षेत्रों में है। ठीक है, इसके बाद आगे मूव करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने गणित, खगोल भौतिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सहायता की है।
फिर से आप यही बात बता सकते हो कि यहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में नहीं, सभी क्षेत्रों में, चाहे गणित हो यानी मैथमेटिक्स हो, खगोल भौतिकी हो या फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो, परमाणु ऊर्जा हो या कोई भी बेसिकली क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो है बेसिकली इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक बड़ा महत्व है। एक तरह से इन्होंने जो है सहायता की है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मदद से इनको सहायता मिली है इस क्षेत्रों को। ठीक है, इन विकासों के कुछ बेहतरीन उदाहरण रेलवे प्रणाली, स्मार्टफोन और मेट्रो प्रणाली है। ठीक है, इनके उदाहरण दे सकते हो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से जो है जो रेलवे प्रणाली विकसित हो सकी, स्मार्टफोन और मेट्रो प्रणाली, ये सभी विकसित हो पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे। ये फ्रेंड्स इस तरह से इसको आप लिख सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। गांव को अब शहरों की तरह विकसित किया जा रहा है और इस तरह अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में विकास हुआ है। ठीक है, यानी तेजी से गांव को भी शहरों में डेवलप किया जा रहा है, शहरों की तरह डेवलप किया जा रहा है, और जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें तेजी से विकास हो रहा है, जिनमें अभी तक पहले विकास नहीं हो रहा था। ठीक है, सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों ने पूरे देश में आत्मनिर्भरता और सतत विकास पर जोर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं उसके द्वारा जो है आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया, साथ ही साथ सतत विकास पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, ताकि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सके। राइट, आधुनिक दुनिया में एक देश दूसरे देशों से मजबूत, शक्तिशाली और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आविष्कार आवश्यक है। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो करेंट हमारी जो बेसिकली यहाँ पर जिस एरा में हम रह रहे हैं, आधुनिक दुनिया में जो हम रह रहे हैं, इसमें तेजी से मजबूत बनने के लिए, शक्तिशाली और अच्छी तरह से विकसित होने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आविष्कार करने की जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रतिस्पर्धी समाज में हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए अधिक तकनीकों की आवश्यकता होगी या फिर आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, इसको एंड कर सकते हो इस टॉपिक को। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।